हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहित चौधरी फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। पार्ट थ्री में हमने सीखा था, टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पूछे गए हैं, उसके कुछ पार्ट अभी बचे हुए थे, वो हम पार्ट फोर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ ₹500 एट 5% पर एनम विल अमाउंट टू ₹600। सैनिक स्कूल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो टाइम निकालना है, ए सम ऑफ रुपीस ई हमें गिवन है ₹500, अमाउंट टू रुपीस हमें गिवन है ₹600, आर हमें गिवन है 5% पर एनम। ओके, एंड हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई आर। अभी टाइम निकालने के लिए SI चाहिए, SI मेरे पास है नहीं। हम प्रीवियस पार्ट में सीख चुके हैं कि SI अमाउंट और पी गिवन हो तो कैसे गिवन निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो SI हमारे पास हो जाएगा ₹100। ठीक है बच्चों, SI की वैल्यू पे यहाँ पुट करेंगे हम लोग, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर। 20 से 20 ऊपर रहा 100, नीचे हो गया 5 5 25, 5 से 25 से कितने टाइम गया 4, टाइम कितना आ गया 4 ईयर्स। ओके, समझ में आया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। पी हमें गिवन है, अमाउंट हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है, टाइम निकालना था सिंपल। टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास SI गिवन नहीं था, तो हम SI जो निकाल के लेके आए हैं वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके लेके आए हैं, टाइम आ गया 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट रेट ए सम ऑफ रुपीज 6000 विल अमाउंट टू रुपीज 7800 इन 5 ईयर्स। सैनिक स्कूल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट वॉट रेट, रेट पूछ रहा है हमसे, देन हमें अमाउंट गिवन है 7800, पी हमें गिवन है 600, रेट निकालने के लिए मुझे पता चल गया SI चाहिए, SI हो जाएगा मेरे पास, ये 6000 है, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस पी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 में 6 के 1800। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई टी, जो कि टी हमें गिवन है 5 ईयर, 5 1 2 3 1 2 3, आर की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन में 6 5 30, 0 से 0 3 से 6, 6% है ना, आर की वैल्यू डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है, रेट हमने निकाल दिया 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट रेट हमें दे रखा है 7 complete 1/2% फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सिंपल, एंड हमें निकालना होगा जो जो वैल्यूज हमें गिवन है, ई हमें गिवन है ₹5000, रेट गिवन है 7 complete 1/2%, 7 2 14, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा, 15/2
परसेंट टाइम हमें गिवेन है 3 ईयर्स, देन हम ऐसे ही निकालना चाह रहे हैं, तो पी मल्टीप्लाई आर और ये टी अपॉन में 100, 20 से 20, 2 से गया ये 25, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 15 3 45। कुछ बच्चों को ट्रिक पता है, 25 से मल्टीप्लाई करते टाइम जो गिवेन नंबर होता है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 25 लगा देंगे यूनिट और टेंस प्लेस पे, और अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो 50, रिमाइंडर 3 बचेगा तो 75, कोसेंट के पीछे हम लगा देंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए सभी बच्चे? सारी वैल्यूज हमें पता थी, हमने पुट किया और सिंपल इंटरेस्ट सिंपली हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ए सम फेज्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4016.25 एट द रेट ऑफ 9% इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द सम? सम हमें निकालना है यहाँ पर सिंपल। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है रुपीज 4016.25, रेट हमें गिवन है 9%, टाइम हमें गिवन है 5 ईयर। व्हाट इज द सम? पी की वैल्यू हो जाएगी ऐसा मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आर मल्टीप्लाई टी, यहाँ से ही हटाएंगे डेसिमल तो अपॉन में जाएगा 100, 20 से 20, ऊपर आया 4016.25 अपॉन में 9545। अब ये हमारे पास, सॉरी ये डेसिमल नहीं है यहाँ पर, अब ये हमारे पास आ गया 4,01,625। इसमें हम डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये 45 से, या तो 5 से पहले सिंपलेस्ट कर लीजिए तब सॉल्व कर सकते हो आप। जो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8,925। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। सैनिक स्कूल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे डेसिमल देख करके बच्चों घबराना नहीं है आपको, आपको सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, डिवाइड करना है फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट टू रुपीज 450 टू यील्ड इन रुपीज 81 एज इंटरेस्ट एज 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? इतने टाइम में हमने किसी बंदे को 450 रुपीज़ दिए जिसका इंटरेस्ट हो गया 81 रुपीज़, 4.5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, सिंपल टाइम निकालना है, पी हमें दे रखा है रुपीज 450, ऐसा ही हमें गिवेन है 81, रेट हमें गिवेन है 4.5% पर एनम, टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू हो जाएगी ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन का 100 जाएगा ऊपर 0 से 0,
टाइम 81 मल्टीप्लाई 100, 45 मल्टीप्लाई 45। ठीक है बच्चों, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से गए 5 टाइम, 9 से गए ये 9 टाइम, 9 से गए ये फिर से 5 टाइम, और ऊपर बचा 100, नीचे आ गया 5, 5 सर 25 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से गई 4। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 4 ईयर। ठीक है बच्चों, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम किसी अमाउंट देख करके, यहाँ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इल वी टेक फॉर एन अमाउंट, उसने इतने रुपए गिविन किए हैं 450, तो जो अमाउंट स्टार्टिंग में दिया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, जिसका इंटरेस्ट बना है 81 रुपीज, कितने परसेंट पर, 4.5% पर। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में होगा कि पी की जगह ए होना चाहिए था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बोरोड रुपीज 875 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। एक आदमी ने 875 रुपीज किसी को दिए 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स, आई मीन 7/2 ईयर्स के लिए, रेट क्या था, 5%। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट देखिए आप सब बच्चे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। ठीक है, फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये जाएगा 20 टाइम्स, फिर से 5 से जाएगा ये 4, 5 से ये जाएगा 5 × 5 बचा 3, 37, 5 × 7 = 35 बचा 2, 25, 5, 5 सा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 175 × 7, नीचे बचा है 4 × 2 तो ये हो जाएगा 8। आप इस पहले स्टार्टिंग में डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे 175 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1225 डिवाइड बाय 8। इसको डिवाइड कीजिए आप, डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, ये हो जाएगा हमारे पास 153.125 इसको सिंपल हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, आफ्टर द फिक्स टाइम ही क्लियर्ड ऑफ हिज डेबिट बाय पेइंग रुपीज 200 इन कैश एंड ए बाइसाइकिल। ओके, तो जो भी उसका अमाउंट बना, ठीक है, देख लेते हैं भाई उसका अमाउंट एंड ऑफ द 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स कितना बनेगा। अमाउंट बना उसका, ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले मान के चलिए आपने किसी एक बंदे को कुछ रुपए दिए, 10 रुपये, 100 रुपीज़ मान लीजिए, 100 रुपीज़ दिए, उसका इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज़, तो आपने उससे बोला मेरा अमाउंट वापस कीजिए, तो आपका अमाउंट बन जाएगा फाइनली 110 रुपये। आपने क्या काम किया, 110 रुपये उस बंदे ने नहीं दिया आपको, और उसमें से क्या किया है, आपको 10 रुपये तो कैश दे दिए और एक साइकिल दे दी, तो उसने साइकिल को कितने रुपये का लगाया होगा, टोटल 110 रुपये बन रहे थे, 10 रुपये जो कैश है उसको माइनस कर दीजिए टोटल अमाउंट में से, बचा 100 रुपीज़, तो 22 के उसने 100 रुपीज़ का लगाया। यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग, देखते हैं, पी प्लस एस आई अमाउंट हो जाएगा 0.13 है ये,
358, 7512, 189 और ये 10। अमाउंट आ जाएगा 1028.13। ठीक है, उसने कैश पेमेंट कितना किया, ₹200। ठीक है, तो अमाउंट के वैल्यू इक्वल है ये, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल टोटल अमाउंट में से जो उसने कैश दिया है उसको माइनस कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 1028.13 में से माइनस करेंगे 200, तो आंसर आएगा 828.13, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। इतने रुपए का उसने क्या किया, साइकिल को लगाया है, जिसका कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। एक पर्सन है जिसने 875 रुपीज़ 3 complete 1/2 years के लिए 5% रेट पर गिवन किया, दिया किसी को, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट बन गया 153.13। अमाउंट टोटल बन जाएगा जो पैसा दिया है प्लस में इंटरेस्ट 1028.13। देन उसने क्या कहा, मेरा 1028.13 रुपीज़ मुझे गिवन कर दीजिए। उसने कहा 200 रुपये आप कैश ले लीजिए, प्लस में मेरे पास पैसे और नहीं है, आप बाकी की ये एक बाइसिकल रख लीजिए। तो उस बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस उसने क्या लगाया है, उसने लगाया होगा टोटल में से जो कैश पेमेंट दिया उसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन अपने से फिर से निकाल के देखें बच्चों, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन पहले राइट डाउन करें, उसके बाद आप अपने से खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस सम ऑफ मनी विल अमाउंट ऑफ ₹900 इन 4 years एट 5% पर ईयर इन 8 years। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पर आप सिंपल सम ऑफ मनी निकालें, देखें यहाँ पे अमाउंट हमें गिवेन है 900, टाइम हमें गिवेन है 4 ईयर, रेट हमें गिवेन है 5%। देन पी अमाउंट गिवेन होता है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी, 5 4 20, 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, 0 से 0 गया। देन इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से जाएगा ये 2 टाइम, 6 से ये जाएगा आपका 90 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये जाएगा 15 टाइम, 15 6 90। अब 2 से इसको कर लीजिए, हो गया 50, पी की वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 50, 15 5 75 और ये यहाँ पे 0, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 750। सिंपल था। नेक्स्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹600 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 2 पैसा पर रुपी पर मंथ। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट हमें निकालना है, काफ़ी अच्छी बातें हैं, प्रीवियस में हम चेक कर चुके हैं कि रेट को कैसे चेंज करते हैं। हमने ₹600 किसी को 2 years के लिए दिए, रेट है 2 पैसा पर रुपी पर मंथ,
टू पैसा इसको कन्वर्ट करेंगे, ईयर में है ये मंथ में है, रुपए में कन्वर्ट किया ईयर में, देन परसेंट में, 12 × 24% पर है ना कन्वर्ट हो गया। देन आप ऐसा ही निकाल दीजिए, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100, 20 × 20 ऐसा ही हमारे पास हो जाएगा, 6 × 12 मल्टीप्लाई 24 ऐसा ही हो जाएगा, 12 × 4 = 48। एक ही आंसर की यूनिट प्लेस पे देखो 8 आ रहा है, बाकी सब 0 0, आप आंसर टिक भी कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट सॉल्व कीजिए, 12 × 2 = 24, 24 प्लस में 2 = 4 28। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।